जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 82 केंद्रों पर बुधवार को 15,562 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 11,779 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 3,783 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 2 अभिभावक स्पेशल बूथ तथा 2 महिला स्पेशल बूथ सहित 82 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य किया गया। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि बुधवार को सरकार द्वारा 20,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीनेशन कराएं, जिससे जिले को कोरोना मुक्त रखा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, आज हमारे ज़िले में 82 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें से 2 महिला स्पेशल, 2 अभिभावक स्पेशल और हमारे ज़िले बिहारी मेडिकल कॉलेज एम्स, हमारे सभी CSC PSC वैक्सीनेशन चल रहा है। सर आज का क्या लक्ष्य निर्धारित? आज का लक्ष्य हमारा सरकार ने निर्धारित किया 20,000 से ऊपर का, लेकिन हम अमूमन 20,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आज हम हमारा लक्ष्य, अपना खुद का लक्ष्य 30,000 से ऊपर का है। फिर जनता से क्या अपील? जनता से अपील है कि हम लोग कोरोना को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर रखे हैं। अभी भी प्रोटोकॉल का, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, मास्क लगा के जाना है, बीमार इलाके में बिल्कुल ही नहीं जाना है और बारी अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। कोरोना को से डेथ रोकने का एक ही मात्र तरीका है कि वैक्सीनेशन, तो सभी को वैक्सीनेशन कराना है, लेकिन अपने समय से अपनी बारी से आकर के लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन सेंटरों पर बहुत भीड़ भाड़ ना कराएं करें और वहाँ भी वैक्सीनेशन सेंटर में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे कि हम लोग अपने ज़िले को कोरोना मुक्त कर सकें।